नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे विश्व के इतिहास के बारे में। तो इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी, रूसी क्रांति देखी थी, प्रथम विश्व युद्ध भी देख चुके थे और द्वितीय विश्व युद्ध भी देख चुके थे हम लोग। बात करनी है इस क्लास में कुछ विश्व के इतिहास के प्रमुख योद्धों के बारे में, जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनके बारे में हमें देखना है। तो याद रखिए, आपके जितने भी सामान्य ज्ञान से संबंधित क्लासें खत्म होती जा रही हैं, वो सभी सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डली हुई है, ठीक है। उसमें हम लोग भारत का पूरा इतिहास कवर कर चुके हैं और आपका विश्व का इतिहास में एक दो टॉपिक और बचे, वो कवर होने के बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैराथन का युद्ध। मैराथन का युद्ध ये कब हुआ आपका? 490 ईसा पूर्व से, 490 ईसा पूर्व में यूनानियों ने ईरानियों को हराया था। इसमें मैराथन का युद्ध, इसमें किसने किसे हराया था? यूनानियों ने ईरानियों को। याद रखिए, इस तरह से पूछा जा सकता है कि जैसे हेस्टिंग्स का युद्ध ये कब हुआ, तो आपको एक पॉइंट ए बन गया आपका, 1066 ईस्वी में। नॉर्मेंडी के ड्यूक विलियम ने इंग्लैंड के राजा हेराल्ड को हराकर इंग्लैंड में नॉर्मन वंश के शासन की नींव डाली थी। तो किन किन के बीच हुआ? नॉर्मेंडी और इंग्लैंड के बीच, ठीक है। नॉर्मेंडी की तरफ से ड्यूक विलियम लड़ रहे थे और इंग्लैंड की तरफ से हेराल्ड। तो यही सब पॉइंट याद रखना। फिर आपका क्रूसेड धर्म युद्ध, ये आपका 11वीं सदी से 13वीं सदी तक हुआ, ईसाइयों एवं मुस्लिमों में युद्ध था, ठीक है। फिर आता है आपका क्रैसी का शतवर्षीय युद्ध। अब पूछेगा आपसे परीक्षा में, क्रैसी का शतवर्षीय युद्ध कब हुआ, कब से कब तक? तो आपको बता देना है, ये 1337 से 1337 से आपका 1453 फ्रांस ने इंग्लैंड को हराया था। किस किस के बीच हुआ था ये? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, जिसमें आपके फ्रांस की जीत हुई थी और इंग्लैंड की हार। फिर आता है आपका जिब्राल्टर खाड़ी युद्ध, कब हुआ ये? 1606 से 1607 ईस्वी में। डच एवं स्पेन और पुर्तगाली के बीच हुआ था ये। फिर आपका स्पेनिश स्पेनिश उत्तराधिकार युद्ध, ये आपका कब हुआ? 1707 से 1714 ईस्वी में। यूरोप के दो गुटों की मध्य था ये। पर आपका जेनकिंस ईयर युद्ध, ये आपका 1339 से 1341 के बीच हुआ, ये हुआ था आपका ब्रिटेन एवं स्पेन का युद्ध। किस किस के बीच? ब्रिटेन और स्पेन के बीच। फिर है आपका ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार युद्ध, ये आपका 1741 से 1748 के बीच हुआ, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रांस और प्रोसिया के युद्ध। फिर आपका सप्तवर्षीय युद्ध है, ये आपका 1756 से 1763 तक चला, ये आपका इंग्लैंड और प्रभा एवं फ्रांस और रूस के बीच हुआ था। फिर है आपका स्पेनिश आर्मेडा युद्ध, ये आपका हुआ 1558 में, किस किस के बीच? इंग्लैंड और स्पेन के। फिर है आपका अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध, ये कब तक चला, कब से? 1776 से 1783 तक। सभी अमेरिकी उपनिवेशों ने इंग्लैंड की अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध स्वाधीनता का युद्ध चलाया और विजय हुई, ठीक। फिर आता है आपका फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित युद्ध।
ये आपका 1792 से 1802 ईस्वी तक चला। फ्रांस एवं फ्रांसीसी क्रांति के विरोधी पड़ोसी यूरोपीय देश का युद्ध था। सर आपका नील नदी का युद्ध, किसका? नील नदी का युद्ध 1798 में हुआ। ब्रिटिश नौसेनापति लॉर्ड नेल्सन ने फ्रांस एवं स्पेन के जहाजी बेड़े को परास्त किया, लेकिन स्वयं इसी युद्ध में मारा गया था। फिर आपका ट्रैफलगर का युद्ध, ये आपका 1805 में हुआ। फ्रांस और स्पेन के विरुद्ध ब्रिटेन का युद्ध था। किस किसके बीच, किसके विरुद्ध? फ्रांस और स्पेन के विरुद्ध ब्रिटेन का। फिर आपका ऑस्टरलिज का युद्ध, ये आपका 1805 में हुआ। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया एवं रूस को हराया था इस युद्ध में। फिर आपका पेनिनसुलर का युद्ध, ये आपका 1808 से 1814 तक चला। फ्रांस के विरुद्ध स्पेन और ब्रिटेन और पुर्तगाल का युद्ध था ये। फिर आपका लीप जिंग का युद्ध, ये आपका 1813 में हुआ। रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा एवं इंग्लैंड ने संयुक्त रूप से नेपोलियन को परास्त किया था। फिर आपका वाटरलू का युद्ध, ये आपका 1815 में हुआ। ब्रिटिश सेनापति ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को पराजित किया एवं उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना भेज दिया था। ये आपका वाटरलू का युद्ध। फिर आपका अफीम युद्ध क्या है? अफीम युद्ध 1839 से 1840 ईस्वी में ब्रिटेन एवं चीन का युद्ध था। अफीम युद्ध 1839 से 40 ब्रिटेन और चीन का युद्ध था। फिर आपका क्रीमिया का युद्ध क्या है? क्रीमिया का युद्ध 1853 से 1856 के बीच है। ब्रिटेन, फ्रांस एवं टर्की की संयुक्त सेना ने रूस को पराजित किया था इसी युद्ध में। फिर आपका अमेरिकी गृह युद्ध, अमेरिकी गृह युद्ध चला आपका 1861 से 1865 ईस्वी के बीच। अब्राहम लिंकन ने के नेतृत्व में उत्तरी राज्यों की सेना ने दक्षिणी राज्यों की सेना को हराकर अलगाववाद गुलामी की पिता को उखाड़ फेंका था इसी युद्ध में। फिर आपका प्रसा ऑस्ट्रिया युद्ध, यह आपका 1866 ईस्वी में हुआ। ऑस्ट्रिया पराजित हुआ, जर्मनी के 22 राज्यों का जर्मन परिसंघ बना प्रसा ऑस्ट्रिया युद्ध में। फिर आपका बोयर्स युद्ध, यह आपका 1880 से 81 के बीच, फिर उसके बाद 1899 से 1902 के बीच चला। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटेन एवं बोयर्स का युद्ध हुआ था। फिर आपका चीन जापान का युद्ध, चीन जापान का युद्ध आपका 1894 से 95 ईस्वी में चला। जापान और चीन के बीच युद्ध हुआ था। रूस जापान युद्ध, यह आपका 1904 से 1905 के बीच चला। इसमें रूस पराजित हुआ था। क्या हुआ था? रूस पराजित हुआ था। फिर आता है प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 ईस्वी के बीच चला। ब्रिटेन और उसके सहयोगी फ्रांस, अमेरिका, बाद में बेल्जियम और रूस आदि ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया, उसके सहयोगियों को
परास्त किया था इसमें। ठीक है, चलते हैं विश्व द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हैं। ये आपका 1939 से 1945 तक चला। मित्र राष्ट्र, राष्ट्रों, इनमें मित्र राष्ट्रों में कौन कौन शामिल थे? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस। धुरी राष्ट्र कौन कौन थे इसमें? जर्मनी, इटली, जापान को हराया था। मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को हराया था इस युद्ध में। ठीक है, फिर आपका कोरिया युद्ध। कोरिया युद्ध आपका 1950 से 1953 के बीच चला। रूस समर्थित उत्तरी कोरिया और अमेरिका समर्थित दक्षिण कोरिया के बीच लड़ा गया। यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से स्थगित हुआ था, यानी कि रोका गया था। याद रखिए, उत्तर कोरिया को रूस और चीन सहायता देते हैं और दक्षिण कोरिया को अमेरिका। ठीक है, फिर आपका स्वेज नहर का युद्ध। ये आपका 1956 में चला, स्वेज नहर का युद्ध। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के विरुद्ध मिस्र का युद्ध था। वियतनाम का युद्ध 1956 से 75 के बीच चला। कम्युनिस्ट उत्तरी वियतनाम और गैर कम्युनिस्ट दक्षिणी वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ये युद्ध हुआ था वियतनाम का। फिर है आपका भारत चीन। भारत चीन का युद्ध 1962 में हुआ, भारत एवं चीन के मध्य, जिसमें भारत की पराजय हुई थी। फिर है आपका भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में, भारत एवं पाकिस्तान, जिसमें भारत की विजय हुई। जैसे ही चीन की विजय हुई 1962 में, तो पाकिस्तान के हौसले बढ़ गए। पाकिस्तान को लगा, अब तो मैं भारत को हरा दूंगा, तो पाकिस्तान ने भी आक्रमण कर दिया। तो 1965 में हुआ ये, भारत और पाकिस्तान, जिसमें भारत की विजय हुई और पाकिस्तान बुरी तरह से हार हुई। इस चीन युद्ध वाले में भी कहते हैं कि नेहरू की कुछ कमियां रहीं, इसीलिए हार हुई। नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है। फिर आपका भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ, भारत एवं पाकिस्तान के युद्ध, जिसमें भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता प्रदान किया गया और आपका बांग्लादेश एक नया देश बना। फिर आपका ईरान इराक युद्ध 1980 से 88 के बीच चला, ईरान और इराक के बीच। ठीक है, फिर आपका फॉकलैंड युद्ध, ये 1982 में ब्रिटेन एवं अर्जेंटीना का युद्ध था के बीच, किसके किसके? ब्रिटेन और अर्जेंटीना। फिर आपका खाड़ी युद्ध 1991 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में 20 राष्ट्रों के गठबंधन एवं इराक का युद्ध था, खाड़ी का युद्ध। तो ये थे आपके विश्व के जो भी प्रमुख युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई, उन्हीं के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे विश्व इतिहास के कुछ प्रमुख तथ्य देखेंगे।